अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में ज़रा बचपन की याद ताज़ा करते हैं। और जो पहले छोटी गुड़ियाँ आती थी वो तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है पता नहीं 1 या 2 रुपए की मिलती थी। और तो खैर आज वो बनाएंगे। तो ये शीट का साइज़, ये एक्चुअली बड़ी शीट जो थी 20 बाय 30 इंच की, उसको मैंने सेंटर से हाफ किया है। तो अभी इसका साइज देखते हैं। अभी 20 इंच ऐसे ही है और तकरीबन 15 इंच ऐसे है। तो अब इस पे मैं रैंडम सा फरमा काटूंगा, जिस तरह पौने तारे का फरमा काटा था। यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ से इतना ऐसे मैं उसको फोल्ड करूँगा कि ऊपर वो कोने से कॉर्नर मिल जाए। ये इस तरह से कॉर्नर मिला दिए यहाँ पे। इसकी मैं कटिंग कर लूँगा। कभी सीन ये तीलों के साइज मुझे भी नहीं पता कि इसके तीलों के साइज क्या रखने हैं। तो वो सब कुछ ये मैं बिल्कुल अंदाजे से बना रहा हूँ पीरे से। अठारह इंच मेरा ख्याल से 18 इंच तक ठीक है इसका। ये 18 इंच जो है वो गज रख चुके हैं। तो ये गज वैसे काफी मोटा है तो इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 25.5 इंच की कमान है।
तो ये गुड्डी तैयार होगी छोटी। अब इसके साथ नीचे क्या करते हैं, नीचे इसकी वो दुम लगा देते हैं। दुम भी बिल्कुल रैंडम से काट रहा हूँ। ये रेडी होगी। तो यार ये पौने तावे से भी छोटी है, और ये कि पौना तावा जो है वो एक शीट में से 20x30 इंच की एक गुड्डा निकलता है, तो ये वाले जो हैं ये दो निकल आती हैं उसमें से। तो गर्ल्स का साइज़ हमने रखा था तकरीबन 18 इंच, और जो कमान थी वो 25.5 इंच रखा था। रैंडम सा काटा है बिल्कुल। खैर ये इतनी सी बात थी इसकी। ये इंडियन पेपर है। तो खैर अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो काइंडली लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए तो एक सरप्राइज़ है फिर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।